दिस इज स्माइली फ्रॉम शो मी रेसिपीज। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं डेजर्ट। डेजर्ट का नाम है चॉकलेट पुडिंग। आइए देखते हैं इसके लिए लगने वाले इंग्रेडिएंट। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है आधा लीटर फुल फैट मिल्क। इसे बॉईल करके ठंडा करके रखा हुआ है और इसमें से थोड़ा सा दूध मैंने अलग से रखा हुआ है पेस्ट बनाने के लिए। कोको पाउडर और कस्टर्ड पाउडर का हम अलग से पेस्ट बनाने वाले हैं ये दूध ऐड करके। इससे होता क्या है, जब हम दूध में डालते हैं तो लम्स नहीं होता है, अगर हम डायरेक्टली डालते हैं तो बहुत सारे लम्स आ जाते हैं, तो उन लम्स को अवॉइड करने के लिए हमने इसे अलग से रखा हुआ है और उसमें कोको पाउडर और कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करके जब दूध को उबल आए तभी हम उसे पोर करके उसे स्टर करेंगे। इसके अलावा लिया है शक्कर। शक्कर मैंने हाफ कप लिया हुआ है। इसके साथ मैंने लिया हुआ है फ्रेश क्रीम हाफ कप। यहाँ पे लिया है चॉकलेट बार, चॉकलेट वर्मिसलिन। इसके साथ मैंने लिया है चॉकलेट चिप्स वाइट और डार्क कलर का गार्निश के लिए। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने एक साइड दूध बॉईल करने के लिए रखा है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पेस्ट, जो मैंने आपको कॉर्नफ्लावर और कोको पाउडर का यहाँ पे हम पेस्ट तैयार करते हैं। हमने जो सेपरेटली दूध निकाल के रखा हुआ था उसको मैंने पोर किया है मिक्सिंग बोल में। अब हम डालते हैं कस्टर्ड पाउडर और कोको पाउडर। इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। इस तरह हम कोको पाउडर, कस्टर्ड पाउडर और जो सेपरेटली दूध निकाल के रखा हुआ था उसे इस तरह अच्छी तरह से मिक्स करके इस तरह बैटर बनाएंगे और ये बैटर रेडी हो गया है। जब ये बैटर बना रही थी उसके पहले मैंने यहाँ पे दूध को गर्म करने के लिए रखा था। दूध बॉईल हो रहा है। जब दूध को बॉईल आ जाए हम डालते हैं शक्कर। यहाँ पे मैंने शक्कर आधा कप लिया हुआ है। आप शक्कर आपके टेस्ट के हिसाब से आप लीजिए। शक्कर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और 5 मिनट के लिए पकाइए जब तक शुगर अच्छी तरह से डिजॉल्व हो जाए। शक्कर डिजॉल्व हो चुका है। अब हम डालते हैं पेस्ट जो हमने कॉर्नफ्लावर और कोको पाउडर का मिक्सचर रेडी किया हुआ है। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे धीमे गैस पे 5 मिनट के लिए स्टर करते रहना। अब हम डालते हैं चॉकलेट्स। चॉकलेट डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। यहाँ पे आप वेनिला एसेंस भी डाल सकते हो बट मैंने वेनिला एसेंस यहाँ पे स्किप किया हुआ है। इस तरह से अच्छी तरह से स्टर करना। अब हम डालते हैं फ्रेश क्रीम। अब हम पोर करते हैं फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम डालने के बाद इसे फिर से अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए धीमे गैस पे अच्छी तरह से स्टर कीजिए। चॉकलेट क्रीम सब अच्छी तरह से एक मर्ज होनी चाहिए। गैस को फास्ट नहीं रखना, गैस फास्ट रखने से नीचे पूरा जल जाएगा, इसलिए धीमे गैस पे पेशेंटली इसे पकाइए। 5 मिनट हो चुके हैं और इट इज ऑलमोस्ट डन। आइए इसे हम रूम टेम्परेचर में ठंडा करते हैं और उसके बाद रेफ्रिजरेटर में 2 घंटे के लिए सेट करने के लिए रखते हैं और उसके बाद हम इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स और चॉकलेट वर्मिसल डाल के सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इसे 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में सेट करने के लिए रखा था और उसके बाद मैंने चॉकलेट वर्मिसल और चॉकलेट चिप्स से गार्निश किया है। तो चॉकलेट
पुडिंग यमी डेजर्ट इज रेडी टू सर्व। आपको ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए भूलना नहीं और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। इसी तरह इंटरेस्टिंग रेसिपी के लिए देखते रहना शो मी रेसिपीज। बाय, टेक केयर।